हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीक्षा विद अनदर ब्लॉग। और ये ब्लॉग है मेरे कॉलेज में हुए कल्चरल इवेंट और साइंस डे पर हुए एक इवेंट का, जिसमें कि मैंने एंकरिंग की थी और साइंस डे वाले दिन एक छोटा सा एक्ट प्ले किया था। तो चलते हैं इवेंट में। तो ये है आंचल जो कि बंगाली कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही है। हेलो, हाय। और ये है मेरी को होस्ट श्रुति। हाय। हेलो, आई श्रुति शर्मा and I Diksha Prasher, I am host for fancy dress and mimicry competition. Taliya. Now I would like to call Sujal Luthra, who is performing the role of Lord Ram. राम राम तो कह लोगे, पर क्या मुत्सा बन पाओगे? अब अपने राम लला के खातिर इतना ना कर पाओगे। शबरी का झूठा खाओगे तब पुरुषोत्तम कहलाओगे। परफॉर्मेंसेस देखने के बाद मुझे लगा कि हमारे कॉलेज में टैलेंट की तो कोई कमी ही नहीं है। अब आप खुद ही देख लीजिए। और अगले ही दिन हमारा कॉलेज ऑडिटोरियम फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन से सीधा एम्प्टी हो गया और मैं और मेरी फ्रेंड्स बिजी हो गए नेशनल साइंस डे की परफॉर्मेंस के लिए, जिसकी प्रैक्टिस के लिए हमने पूरा ही ऑडिटोरियम बुक कर लिया। प्रति घंटा है। लेकिन चाहे तो इतना है, बजे मेरी आंख खराब हो गई है या फिर सच में तेरा कोई वजूद नहीं है, बोले लो। डार्कनेस। ये है रिग्जिन दॉर्जे फ्रॉम लाहौल, जो कि अभी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि इन्हें हमारे साथ स्किप करके कैसा लगा। सभी को सबसे पहले हेलो। मुझे इस स्किट में, मतलब आपके साथ सभी के साथ पार्टिसिपेट करके बहुत अच्छा लगा। ये मेरा फर्स्ट टाइम था और मैं बहुत खुश नसीब एकदम। मेरे साथ मेरे दोस्त भी अभी कैमरे के पीछे, सर्वेश। वो ऐसा था कि मैं और सर्वेश जा रहे थे जियोलॉजी डिपार्टमेंट साइड और अचानक से मुझे मिली कृतिका। और कृतिका जी ने हमें बताया कि बोला कि स्किट होने वाला है और ये ऐसा है तो आपको करना पड़ेगा। और फर्स्ट डे हम, मतलब संडे थी और संडे को हम फटाफट आ गए। ऐसा फर्स्ट प्ले है जिसमें मैं डिफरेंट इमोशंस को शो कर रहा हूँ। लाइक मेरे को सबसे पहले रोना भी है, मेरे को गुस्सा भी करना है, थोड़ा सा फंकी टाइप मोमेंट भी है। हेलो डायरेक्टर। ये माइक नहीं चलता है तो छोड़ दो। ये है कुछ अनसीन प्रैक्टिस सीन्स जो शायद इन्हें भी नहीं पता कि मैंने रिकॉर्ड किए थे। मैं और टाइमली डांस पार्टनर है, तो मैं यानी कि ग्रेविटी #ग्रेविटी स्पेस टाइम को इफेक्ट करती हूँ। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ एक्चुअल स्किट के कुछ क्लिप्स, जो कि हमने सिर्फ और सिर्फ एक दिन पहले ही प्रैक्टिस किए थे, वो भी कुछ घंटों के लिए। अगर ना मन अगर बैठू मैं, बस मैं किसी की जरूरत नहीं पड़ना चाहता था। हाँ ठीक है, कोई नहीं। तुमने भी मुझे धोखा दिया। पैसे नहीं है ना, जब तुम्हें मेरी जरूरत थी
तो तुम मेरे साथ ऐसे नहीं है ना, तुम मेरे पास है क्योंकि लाइट ट्रेवल्स इन वैक्यूम नहीं है। तुम मुझे छोड़कर इस वैक्यूम के साथ ट्रेवल कर रही हो। मैं वैक्यूम इस पूरी दुनिया में रहता हूँ और तू यू आर हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट ना कभी दे रहा हूँ था इतना है और ना ही कभी करेगा। हे माँ माता जी क्या हुई माता तो सच में अच्छा नहीं है, चाहे आप जितनी भी कोशिश कर लो आगे रहने की, पर कोई ना कोई आपसे एक ना एक कदम आगे ही है क्योंकि वो भी मेहनत कर रहा है। तो ऐसी कई सारी बातें हैं जिनसे हम अनजान हैं। तो आपको नहीं लगता साइंस इज अ मैजिक, एक लॉजिकल मैजिक जो हमारी कई सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। जैसे ही हमारा एक्ट खत्म हुआ हम ऑडिटोरियम से बाहर निकलने के लिए आ गए, बट फिर हमें एक सरप्राइज़ मिला। सरप्राइज़ ये कि ऑडिटोरियम का मेन गेट ही बंद था, तो हमने सोचा कि क्यों ना यहाँ से निकल लेते हैं। बट वेट, आपको बिल्कुल भी ऐसे नहीं निकलना है। बिना मेरी वीडियो को लाइक करें, तो आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।